फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाई आईक्यू एजुकेशन में। हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर की जो सीरीज शुरू की थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मई 2022 का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि बीपीएससी ने एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस कर दिए हैं 20 और 22 सितंबर को, लेकिन इसकी डेट को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है इशू है। एक तो यूपीएससी एग्ज़ाम के बीच में ये डेट्स अनाउंस कर दी गई, और दूसरी चीज़ ये है कि दो शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो कि पहली बार हो रहा है, तो इसकी पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। खैर, एग्ज़ाम 20-22 को जो भी हो या फिर डेट एक्सटेंड हो, हमने 20 और तारीख की डेट को ही मान के अपनी प्रेपरेशन को तैयार रखना है। ठीक है, हमारे पास लगभग एक महीना रह जाता है। तो चलिए आज देखते हैं हम मई 2022 का करंट अफेयर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अर्जुन अवार्ड कम एमएलए श्रेयसी सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शूटिंग रेंज इन विच सिटी ऑफ बिहार। अर्जुन अवार्डी से विधायक श्रेयसी सिंह ने बिहार के किस शहर में एक शूटिंग रेंज के निर्माण की आधारशिला रखी? ऑप्शन है गया, मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला प्रश्न है, 25 मीटर हाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इज टू बी बिल्ट एट विच एयरपोर्ट इन बिहार। बिहार के किस हवाई अड्डे पर 25 मीटर ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया जाना है? ऑप्शन है गया एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बासु। बासु मतलब बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। बिहार के किस जिले में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय या फिर भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ अ 14-member टीम सेट अप अंडर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर सेल टू प्रोब द बीपीएससी क्वेश्चन लीक पेपर। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक साइबर सेल के तहत गठित 14-सदस्यीय टीम के प्रमुख कौन है? हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो बीपीएससी डायरेक्ट पूछेगा नहीं, ये नहीं पूछेगा कि बताओ हमारा जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए हमने कौन सी टीम जो है वो गठित करी थी, ये तो एक तरह से इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप जब परीक्षा दे रहे हैं तो एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। तो ऑप्शन है प्रदीप कुमार, सुशील कुमार, दीपक सिंह या फिर श्री मनीष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुशील कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली एट विच प्लेस बिहार इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स समिट ऑन 12 मई 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड। हाल ही में 12 मई 2020 को बिहार अंतर्राष्ट्रीय निवेशक शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है नई दिल्ली, पटना, राजगीर या फिर गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हैज़ रिवाइव्ड द ओल्ड स्ट्रीम ऑफ लखनदेई रिवर विच हैड बिकम डेड ड्यू टू सिल्टेशन। हाल ही में बिहार के किस जिले में जल संसाधन विभाग ने लखनदेई नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित किया है जो गाद के कारण मृत हो गई थी? तो ऑप्शन है मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, किशनगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ विच इंस्टीट्यूशन द ऑनगोइंग पटना मेट्रो इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया गया कि इस इंस्टीट्यूशन के जो सदस्य हैं वो पटना में आए हुए थे, काफ़ी दिन रुके और प्रोजेक्ट का जो है वो जायज़ा लिया इन्होंने। तो पटना मेट्रो का निर्माण किस संस्था के सहयोग से किया जा रहा है? वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर जापान की है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर एन एमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम बिहार हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। बिहार के एक प्रख्यात व्यक्तित्व रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस श्रेणी से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पॉलिटिक्स, सिंगिंग। आप जानते हैं कि ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बिहार से जिन्होंने नाम रोशन किया है या फिर जिनकी हाल में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे पर्सन एंड न्यूज़ जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगिंग। ये मैथिली के सिंगर थे। 9 देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ न्यू कोरियन स्टाइल बुद्धिस्ट टेम्पल टू बी ओपन्ड इन बोधगया। बोधगया में खुलने वाले एक नए कोरियाई शैली के बौद्ध मंदिर का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है बुनहुआंगसा स्टाइल, मुकोक्शी स्टाइल, जैन स्टाइल, निहोन स्टाइल या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुनहुआंगसा स्टाइल।
अगला प्रश्न, फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन द मिथाली एक्सप्रेस विल बी स्टार्टेड ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच किस रेलवे स्टेशन से मिथाली एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है न्यू जलपाईगुड़ी, सिंघाबाद, हल्दीबारी या पेट्रापोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी इसलिए क्योंकि ये कटिहार रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच सिटी ऑफ बिहार द कंट्रीज फर्स्ट क्राफ्ट म्यूजियम वुड बी बिल्ट। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प संग्रहालय बनाया जाएगा? ऑप्शन है राजगीर, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। क्वेश्चन नंबर 12, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मीडिया अ न्यू लिटरेसी स्कीम टू बी स्टार्टेड इन बिहार इज। इंटरनेट मीडिया की मदद से बिहार में शुरू की जाने वाली एक नई साक्षरता योजना है, क्या नाम है उसका? डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, सर्व शिक्षा डिजिटल अभियान, नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम या फिर डिजिटल शिक्षा सशक्तिकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट द वायलेटर्स ऑफ लिक्वर प्रोहिबिशन इन बिहार। बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन वज्र, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन रक्षक या फिर ऑपरेशन ब्लू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन वज्र जो है एक टास्क फोर्स है जो वज्र जो है एक टास्क फोर्स का नाम है जो ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ये मत ई मत कर दीजिएगा मोर देन वन, वज्र जो है टास्क फोर्स का नाम है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रहार। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ न्यू स्ट्रक्चर दैट वुड बी बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मार्टायर्स ऑफ बिहार इन देयर विलेजेस। बिहार के शहीदों की याद में उनके गांव में बनने वाले नए ढांचे का नाम क्या होगा? अमृत सरोवर, विजय स्तंभ, शहीद स्मारक या फिर अमृत कुंड। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इन बिहार विल बी एस्टेब्लिश द सेकेंड सेंटर इन द कंट्री टू कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू रिवर्स एंड स्टडी फ्लो कैपेसिटी। बिहार में नदियों से संबंधित डेटा एकत्र करने और प्रवाह क्षमता को अध्ययन करने के लिए देश में दूसरा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, मधुबनी या फिर सुपौल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपौल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज टॉप्ड इन वाटर कनेक्शंस अंडर हर घर नल का जल स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग 100% टैप वाटर कनेक्शन फॉर ऑल। बिहार के किस जिले ने सभी के लिए 100% नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने के लिए हर घर नल का जल योजना के तहत पानी के कनेक्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ईस्ट चंपारण, अररिया, सुपौल या फिर अरवल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन विच पोर्टल इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड स्टूडेंट्स रिपोर्ट इन बिहार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बिहार में छात्र की रिपोर्ट को किस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास दीक्षा, निष्ठा, यूडाइस या फिर ई लर्न। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूडाइस। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22 विच स्टेट और यूटी स्टॉप अंडर मशरूम कल्टिवेशन। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मशरूम की खेती में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगर ये क्वेश्चन एक साल पहले का अगर आप फाइनेंशियल ईयर में बात करते मशरूम प्रोडक्शन के लिए तो बिहार का तीसरा स्थान था, तो अभी जो है देश में सबसे टॉप में बिहार का स्थान है मशरूम कल्टिवेशन के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, मेज़ प्रोडक्शन या किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में बिहार का क्या रैंक है, अगर वो टॉप है या कोई अवार्ड मिला है तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर विल बी एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मुजफ्फरपुर की शाही लीची निम्नलिखित में से किस देश को निर्यात की जाएगी? ऑप्शन है इंग्लैंड, मलेशिया, USA, UAE या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर मोर देन वन। तो इसमें दो आंसर हैं, इंग्लैंड और मलेशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन। अगला प्रश्न देखते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग प्लेयर ऑफ बिहार हैज़ वोन अ गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन इन द ऑन गोइंग डीफ ओलंपिक्स इन ब्राज़ील।
बिहार के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ब्राज़ील में चल रहे बाधिर ओलंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन से अभिषेक राज, दीपक कुमार, ऋतिक आनंद या फिर संतोष सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऋतिक आनंद। ऐसे क्वेश्चन स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऋतिक आनंद जो हैं वो किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शंस क्या हो जाए, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच कार्गो शिप फ्रॉम बेहटा लेफ्ट फॉर कोलकाता फ्रॉम पटनाज गायघाट पोर्ट थ्रू द नेशनल वाटरवे 1? बेहटा से कौन सा मालवाहक जहाज राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के माध्यम से पटना के गायघाट बंदरगाह से कोलकाता के लिए रवाना हुआ? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, ये सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं इन्हीं के नाम पे जो है कार्गो शिप के भी नाम रख दिए जाते हैं, तो ये कार्गो शिप का नाम भी इन्हीं में से एक फ्रीडम फाइटर्स का नाम है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये कार्गो शिप का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास थी बिहार स्पेशल 2022 का करंट अफेयर, अभी वो ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और बिहार के रिलेटेड जो वीडियोस हैं बिहार स्पेशल वो भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। बिहार के करंट अफेयर के वीडियोस तो खैर आ ही रही हैं, तो वो भी आपको एग्ज़ाम से पहले आपको सभी मटेरियल जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर हो इस तरह के वीडियोज़ को और भविष्य में बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।